मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता कर कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का पर्व प्रदेश में समाप्ति की ओर है। तीन चरण में छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें दो चरण हो चुके हैं। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है। मेरे लिए यह अनोखा चुनाव रहा है। सीएम के नाते जनता से सीधे मिलने का मौका मिला है। हमने प्रदेश में 64 सभाएं की हैं और आज 2 सभाएं और हैं। हमने 11 कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लिए। सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत सभी तमाम दिग्गजों की सभाएं हुई, जिसमें भाजपा के पक्ष में माहौल बना। प्रदेश की जनता के बीच में हम गए और वहां जो रिस्पॉन्स मिला, उससे कह सकते हैं कि हम 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है, अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। और 7 लोकसभा का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त होने वाला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है। और 20 मार्च से 4 मई तक, कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज 2 सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के साथ और एक सारंगढ़ में। इसके साथ कुल 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा। और इसी तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम भाग लिए और 11 लोकसभा सीट में 11 कार्यकर्ता सम्मेलन में हम भाग लिए।